To proceed with this topic of gait, now we're going to have a look at the various abnormal gait patterns, right? So you can see various patterns of gait, abnormal gait in affected patients. You can see abnormalities during the stance phase or during the swing phase. So these are a number of abnormalities which can take place during the stance phase, and these are the various abnormalities which can take place during the swing phase. Okay. So, first of all, let's have a look at the antalgic gait. Now, antalgic gait mein kya hota hai ki jaun se aapki affected leg hai. For example, yahan par aapke samne ek figure show ki hai. Is figure mein the person is suffering from pain in the right leg. The patient is suffering from pain at the level of ankle as well as the level of knee and as well as the level of hip. As a result, क्या होगा जब भी patient अपनी right leg को stance phase में लेके जाए यानी weight bearing करेंगे तो patient will feel immense pain and to counterbalance or to compensate that pain patient क्या करेगी फौरन से अपनी उस टांग को उठा के opposite leg के ऊपर अपनी जो weight है उसको opposite leg के ऊपर शिफ्ट करेगी. As a result क्या हुआ आपने सिर्फ कुछ देर के लिए weight bear किया affected leg के ऊपर और फॉरन से दूसरी लेग के ऊपर इतना वेट ट्रांसफर कर दिया यानी जो सी अफेक्टेड लेग है उसका क्या हुआ उसका स्टैंड स्पेस रिड्यूस हो गया. सो टू अवॉइड पेन एंड अवॉइड वेट बेयरिंग पेशेंट क्या करता है अपनी स्टैंड स्पेस को बहुत शॉर्ट कर लेगा और वेट को ऑपोजिट लेग के ऊपर ट्रांसफर कर देगा. सेकेंड एबनॉर्मैलिटी इज इन लैटरल ट्रंक बेंडिंग. ये फिनोमेना आपने जो पेल्विक टिल्टिंग पड़ी थी लैटरल पेल्विक टिल्टिंग उसमें इस फिनोमेना को पहले स्टडी कर चुके हैं. लैटरल ट्रंक बेंडिंग कब आती है जब आपके हिप एबडक्टर्स वीक हो हिप की डिसलोकेशन हुई हो या कॉब्स वगैरह हो हिप पेन हो या लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो यानी इन्वॉल्व लिम्ब इज रिलेटिवली शॉर्टर देन द अदर. एज अ रिजल्ट आपकी जो बॉडी है वो किस तरह से कंपनसेशन करती है कॉन्ट्रालेटरल साइड जिस साइड के ग्लूटियस मीडियस मिनिमस वीक है यानी एबडक्टर्स वीक है उससे जो ऑपोजिट साइड होगी वो ड्रॉप कर जाएगी. The contralateral side of the pelvis drops because the weak gluteus medius is unable to stabilize the pelvis. And the trunk leans over the ipsilateral side, just side ka issue hai, us side ke upar trunk jo hai wo lean kar jayegi aur is process ko, is phase ko hum, is gait ko hum Trendenberg gait kehte hain. This is just a revision of the topics that you have previously studied in kinesiology as well as anatomy, right? उसके बाद आ जाती है इंटीरियर ट्रंक बेंडिंग. अब इंटीरियर ट्रंक बेंडिंग क्या होते हैं कि जो आपका पेशेंट है उसको क्वाड्रिसेप्स वीकनेस है कंबाइंड विद द वीकनेस ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस गैस्ट्रोमीनियस और ग्लूट्स यानी क्वाड्रिसेप्स वीकनेस अलोंग विद द वीकनेस ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस और क्वाड्रिसेप्स वीकनेस अलोंग विद द वीकनेस ऑफ गैस्ट्रोमीनियस या क्वाड्रिसेप्स वीकनेस अलोंग विद द वीकनेस ऑफ बोथ दीज मसल्स ग्रुप्स यानी हिप एक्सटेंसर्स भी वीक है गैस्ट्रोमीनियस भी वीक है. ठीक है अब इस प्रोसेस में क्या होता है आपके गेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है देयर इज अ टेंडेंसी फॉर एक्सेसिव नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग द लोडिंग रिस्पॉन्स एंड इनस्टेबिलिटी एट द हील स्ट्राइक. अब जब आपके क्वाड्रिसेप्स वीक होंगे क्वाड्रिसेप्स क्या करते हैं आपके नी को एक्सटेंड करते हैं. हमने पीछे पढ़ लिया है कि किस तरह से कौन कौन सी फेज में आपके नी का क्या एंगल होता है किस फेज में फ्लेक्शन है किस फेज में एक्सटेंशन है राइट. सो वी हैव स्टडीड ऑल दैट प्रोसेस. अब जब क्वाड्रिसेप्स आपके वीक होंगे आपका नी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से देयर इज अ टेंडेंसी कि जब लोडिंग रिस्पॉन्स हो के आप नेक्स्ट स्टांस में जा रहे हो तो आपका नी एक्सेसिव फ्लेक्शन होती है उसके ऊपर. अब जस्ट इमेजिन एक्सेसिव फ्लेक्शन है यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस फिनोमेना ऑन योर सेल्फ. अगर आप जब वेट अपनी टांग पे अपने फुट के ऊपर रख रहे हो जब आप मिड स्टांस में जा रहे हो यू नीड टू कीप दैट मोशन यू नो वर्टिकल राइट. आपको एक सर्टन एक स्टेबिलिटी का फैक्टर चाहिए होता है. अगर उस नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से ज्यादा आपकी नी फ्लेक्शन की तरफ चला जाए योर बॉडी विल बिकम अनस्टेबल राइट एंड यू कैन फेस इंजरी फॉर लॉन्ग. अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है बिकॉज नी फ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हो गई है अपनी नॉर्मल रेंज से ठीक है बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द
क्वाड्रिसेप्स जो के एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, इसको कंपनसेट करने के लिए आपकी ट्रंक जो है वो आगे को बेंड हो जाती है। जब आपकी ट्रंक आगे को बेंड होगी तो एज अ रिजल्ट एक कंपनसेशन के तौर पे जो नी है, अगर आप एंगल बना के देखें एक जिस तरह यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक नॉर्मल है, यहाँ पर आगे को लीन नहीं की हुई बैक, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। जब आप अपनी ट्रंक को इंटीरियरली लीन करेंगे तो हिप के ऊपर इस तरह से ओरिएंटेशन चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से नी अब यहाँ पर फ्लेक्शन में, और यहाँ पर देखें ऑल्दो आपने नी को नहीं चेंज किया, आपने ट्रंक को चेंज किया, आपने हिप उसके उसकी वजह से हिप के ऊपर इफेक्ट आया, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ आपके नी उस कॉम्पनसेटरी प्रोसेस की वजह से आपका नी एक्सटेंशन की तरफ एक उसने एक्सटेंशन मोमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पोजिशन इस फिनोमेना में आप इंटीरियर ट्रंक बेंडिंग करके अपने जो एक्सेसिव फ्लेक्शन है उसको काउंटर बैलेंस कर सकते हैं अपनी ट्रंक और अपनी हिप का एंगल चेंज करके। ठीक है, फिर आ जाती है पोस्टीरियर ट्रंक बेंडिंग। अब इस पोस्टीरियर ट्रंक बेंडिंग को हम ग्लूटियस मैक्सिमस या लर्ज गेट कहते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस गेट और द लर्ज गेट। इसमें क्या है, आपके हिप एक्सटेंसर्स वीक है और हिप फ्लेक्सर्स जो हैं वो टाइट है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नी एंकाइलोसिस में भी ये हो सकता है, स्पैस्टिसिटी है भी, ऑर्थोटिक नी लॉक लगाया हुआ है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक्सेसिव हिप फ्लेक्शन होगी और इंटीरियर पेल्विक क्रिपिंग, ये चीजें पीछे पड़ी हुई है। इंटीरियर पेल्विक क्रिपिंग में कौन कौन से मसल ग्रुप्स जो है वो वीक हो जाते हैं, कौन कौन से मसल ग्रुप्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस फिनोमेना में क्या हो जाएगा कि इंटीरियर पेल्विक क्रिपिंग होगी और टू कंपनसेट दैट आपका जो पेशेंट है ही विल स्टार्ट टू लीन बैकवर्ड्स, वो अपने ट्रंक को पोस्टीरियरली जो है वो थोड़ा सा मूव कर देगा, पोस्टीरियरली बेंड कर देगा टू प्रिवेंट द ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग फॉरवर्ड्स, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो पेल्विस है वो आगे की तरफ टिल्ट किया हुआ है। आपने अपनी बॉडी को उस इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए आपने अपनी बॉडी को इस तरह से अलाइन किया कि आप आगे की तरफ फॉल ना कर जाए। ठीक है, पेशेंट क्या करते हैं, पोस्टीरियरली अपने बैक को, अपने ट्रंक को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इनएडिक्वेट डोर्सिफ्लेक्शन कंट्रोल। सो जब डोर्सिफ्लेक्सेस आपके वीक होते हैं, डोर्सिफ्लेक्सेस आपके जो है पैरालाइज होते हैं, तो एज अ रिजल्ट कुछ सर्टेन एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं कि अगर डोर्सिफ्लेक्सेस वीक है, डोर्सिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं, पियरिस इंटीरियर एंड प्लांटर फ्लेक्सर्स जो स्पैस्टिक है, तो एज अ रिजल्ट फुट स्लैप और टो ड्रैग होगा, स्टैंड फेज में फुट स्लैप और स्विंग फेज में टो ड्रैग होगा। इसको हम फुट फ्लैट फ्लैट फुट जो है गेट भी कहते हैं। सो सबसे पहली चीज आ जाती है एंड इनएडिक्वेट डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ इनएडिक्वेट डोर्सिफ्लेक्शन कंट्रोल स्लैप फुट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एंकल डोर्सिफ्लेक्सेस है उनकी वीकनेस है। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या गेट बनती है आपको मैं दिखाती हूँ। और जब डोर्सिफ्लेक्शन कंट्रोल स्टेपेज गेट में क्या होता है कि आपका फुट ड्रॉप हुआ है, तो उसको आपके ऑब्वियसली फुट ड्रॉप हुआ है, पैरालाइज हो गए हुए हैं, सो टू कंपनसेट दैट हाउ इट इज कंपनसेटेड कि द मसल्स दिस इट इज कंपनसेटेड बाय एग्जेजरेटेड हिप एंड नी फ्लेक्शन आपका पाउ उठाने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो पहली फेज है इसमें आपने क्या करना है, जब आपने अर्ली स्टैंड फेज में हील स्ट्राइक, जब हील स्ट्राइक करते हो तो आपका जो फुट है वो डोर्सिफ्लेक्स होता है, जब डोर्सिफ्लेक्सेस ही वीक हो गए तो स्लैप की साउंड आएगी, आप सडनली आपका जो फुट है वो नीचे ड्रॉप करेगा। ठीक है, और उसके बाद जब आपने उसको ठा के अगला स्टेप लेना है तो आप टोज को ड्रैग करके पीछे लेके जाते हो। ठीक है, और स्टेपेज गेट में क्या होता है, let's have a look at the video. This video demonstrates two common patterns for those that have a foot drop or dorsiflexion weakness. The first of these patterns is a steppage gait. This is the steppage gait. Note here, the patient is hiking their hip, flexing their knee to clear the foot that has weakness.
The second pattern is a foot slap. Listen. Aquí el patrón es the apparent. Although weakness is not visually apparent, the audible foot slap is your sign of this weakness. अब जो आपने second देखे हैं जो foot slap है, उसमें apparently आपको इतना visible नहीं होता, लेकिन जो patient चलता है तो एक constant अपने foot पर slap करेगा, you know, at the ground, because dorsiflexion जो है वो completely possible नहीं हो रही, dorsiflexion is weak. This video demonstrates. उसके बाद आ जाते हैं insufficient push off. Insufficient push off. अब आपने क्या करना है? आपने इस फेज में क्या करना होता है? अपने जो फुट को प्लांटर फ्लेक्स करके उठाना होता है, ठीक है? But if your plantar flexes are weak, तो एक flat foot gait इसमें भी बन जाता है, ठीक है? Rupture of the Achilles tendon हो गया, metatarsal pain है या plantar flexor weakness है, तो कैसे compensation हो रही है? Delayed heel rise, prolonged heel contact. Heel को आप उठा नहीं पा रहे. जो heel को उठाएंगे तो क्या मैकेनिज्म आता है एंकल के ऊपर? प्लांटर फ्लेक्शन ही आती है, ठीक है? तो आप अपनी हील को रेज नहीं कर पा रहे, राइट? एंड शॉर्टर स्टेप्स जो है वो पेशेंट लेता है कंपनसेट करने के लिए उस वीकनेस को. पेशेंट में स्टार्ट टेकिंग शॉर्टर स्टेप्स इन स्लो वॉकिंग. फिर आ जाती है फंक्शन लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी. अब लेग लेंथ इस में क्या हो रहा है? लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी का भी आपने नीचे पढ़ा होगा. इसमें क्या है? जो स्विंग लेग है दैट इज लॉन्गर देन द स्टांस लेग. अब इसमें कंपनसेट करने के लिए पेशेंट चार टाइप्स की गेट बनाते हैं. सर्कमडक्शन, हिप हाइकिंग, स्टेपेज एंड वर्टिंग. सर्कमडक्शन में क्या होता है? सर्कमडक्शन आपने पहले सुना होगा. सर्कमडक्शन में क्या होता है? अब सर्कमडक्शन क्या मूवमेंट होती है? लाइक आप एक ज्वाइंट के ऊपर लाइक हर प्लेन में मूवमेंट हो रही होती है, उसको हम नॉर्मल जब मूवमेंट्स पड़े होते हैं तो उसको सर्कमडक्शन. अब सर्कमडक्शन गेट में क्या होता है कि लेग आपकी स्टिफ है, ना नी के ऊपर फ्लेक्शन हो रही है ना एंकल को फ्लेक्शन हो रही है. और डेफिनेटली एक नॉर्मल गेट के लिए आपको इन दोनों जॉइंट्स के ऊपर एक सर्टन रेंज ऑफ मोशन चाहिए होती है, ठीक है? तो अब जब ऐसा पेशेंट अपने नी को भी फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, अपने एंकल को भी फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, ना डोर्सी फ्लेक्स कर पा रहा, ना प्लांटर फ्लेक्स कर पा रहा है, तो वो एज अ रिजल्ट पूरी टर्म को रोटेट करके और फिर आगे उसको लेकर आते हैं इन ऑर्डर टू टेक अ स्टेप, ठीक है? इसको हम हेमिप्लेजिक गेट भी कहते हैं. अब ऐसे पेशेंट जिनको हेमिप्लेजिया हुआ है, ठीक है, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है? पहली चीज की आर्म स्विंग नहीं होता जब हम चलते हैं. ना सिर्फ हमारी टांगे स्विंग कर रही होती है, हमारा आर्म भी स्विंग कर रहा होता है. ऐसे पेशेंट्स में एबनॉर्मेलिटी बन जाती है कि आप अगर एक फिगर में देखें इस पेशेंट को क्या हुआ है, इसके शोल्डर के ऊपर फ्लेक्शन और एडक्शन हुई है, राइट? उसके अलावा एल्बो पे भी फ्लेक्शन हुई है, रिस्ट पे भी फ्लेक्शन हुई है, फिंगर्स पे भी फ्लेक्शन हुई है. और लेग के ऊपर ये पेशेंट क्या करेगा? सर्कमडक्शन करेगा. ठीक है, तो The hemiplegic gait consists of flexion of the hip because of foot drop and circumduction of the leg. In this gait, the affected limb moves in a semicircle with each step that is taken. उसके बाद आ जाते हैं हिप हाइकिंग. हिप हाइकिंग में क्या होता है कि आप एक साइड की जो हिप है उसको आप थोड़ा सा एक्सेसिव एलिवेशन उसकी कर रहे हैं. हमने पढ़ा ना पीछे कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो, जब आप गेट परफॉर्म कर रहे हो तो फ्रंटल प्लेन में जो आपका पेल्विस है वो यू नो उसके ऊपर स्लाइट ड्रॉप स्लाइट रेज आते हैं. जब आप उस नॉर्मल लिमिट से एक्सेसिव एलिवेशन कर रहे हो हिप को, उसको हम कहते हैं हिप हाइकिंग. और स्विंगिंग साइड पे, यानी जब आपने टांग उठा के अगली टांग को जब उसको आपने आगे स्टैंड फेस में लेके जाने, तो आप जब स्टैंड से स्विंग की तरफ जाते हो लिफ्ट द हिप स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल यू नो जितना नॉर्मल आपकी आपको पेल्विस रेज करता है, ठीक है? Inability to functionally shorten the swing leg due to weak flexors. फिर आ जाती है वॉल्टिंग. वॉल्टिंग में क्या होता है कि आपने टोज के ऊपर वेट ट्रांसफर करके, ठीक है, स्टैंड फेज में एक लेग के ऊपर आप टोज के ऊपर वेट ट्रांसफर करोगे और तब आपकी जो दूसरी लेग है वो ग्राउंड क्लियर करेगी, ठीक है? कमिंग अप ऑन द टोज ड्यूरिंग स्टैंड फेज ऑफ वन लेग
जब अफेक्टेड जो जो लेग है जो उसकी बिल्कुल जहाँ पे स्टैंड स्पेस एंड हो रही है, उसमें आप टोज के ऊपर आके एकदम से दूसरी लेग को जो है ग्राउंड से उठा के स्विंग फेज में लेके जाओ। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी स्विंग फेज वाली लेग है दैट इज रिलेटिवली लॉन्गर। सपोज जो इस फिगर में पेशेंट की जो लेफ्ट लेग है दैट इज स्लाइटली शॉर्टर और राइट लेग जो है दैट इज लॉन्गर। तो डेफिनेटली वो जो लॉन्गर लेग है उसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट क्या करते हैं, जो लेफ्ट लेग है उसको जब उसका स्टैंड फेज एंड हो रहा है तो उसको टोज के ऊपर लिफ्ट करके तब उसको दूसरी लेग के इक्वल करके अगली जो अपोजिट लेग है जो लंबी लेग है जिसने स्विंग फेज उसका होना है उसको स्विंग फेज की तरफ पेशेंट लेके जाता है। इस गेट को कहते हैं वॉल्टिंग। फिर आ जाती है सीजरिंग गेट। सीजरिंग गेट इज अ गेट, अ टाइप ऑफ गेट व्हिच इज सीन इन पेशेंट्स विद स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी इज अ बर्थ यू नो डिफेक्ट डिजीज व्हिच इज कॉज्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसको भी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्पैस्टिक सीपी में सीजरिंग गेट बनती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एडक्टर्स होते हैं वो उनकी स्पैस्टिसिटी हो जाती है जिसकी वजह से टांगे इस तरह से मिडलाइन की तरफ मूव कर जाती हैं। जो हिप है उसके ऊपर एक्सेसिव एडक्शन होगी और अगर आप ये ओरिएंटेशन देखें तो इट्स जस्ट लाइक अ सीजर। और जब पेशेंट चलता है तो उस गेट को हम कहते हैं सीजरिंग गेट। प्लांटर फ्लेक्सर्स जो है वो भी स्पैस्टिक होते हैं, पेशेंट जो यूजली अपने टोज के ऊपर चलते हैं। क्राउच गेट में क्या है, ये भी सीपी के पेशेंट्स में देखी जाती है। एक्सेसिव फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी ड्यू टू स्पैस्टिसिटी, राइट। जिन मसल की स्पैस्टिसिटी है वो मूवमेंट एक्सेसिव हो रही है, मसल टाइटनेस और कंट्रैक्चर। जिन मसल्स की स्पैस्टिसिटी है, मसल टाइटनेस और कंट्रैक्चर, यानी कौन से मसल्स की, फ्लेक्सर्स की, हिप के और नी के फ्लेक्सर्स की। तो एज अ रिजल्ट देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है, पेशेंट की हिप भी फ्लेक्सड है, पेशेंट के नीज भी फ्लेक्स हैं और वो क्राउच करके चल रहे हैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैं उल्टा बता गई हूँ। ऑपोजिट साइड के मसल्स की जो स्पैसिसिटी, यहाँ पर हैमस्ट्रिंग स्पैसिसिटी हुई है तो एक्सेसिव फ्लेक्शन होगी, एक्सेसिव नी फ्लेक्शन होगी है और साथ नी बकलिंग होगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है पार्किंसंस गेट। पार्किंसनिज्म में भी पेशेंट की एक स्पेसिफिक गेट होती है। पार्किंसनिज्म को भी आपने आगे फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा क्या क्या उसकी फीचर्स होती हैं। दैट इज नॉट टॉपिक ऑफ आर डेज लेक्चर। तो हम सिर्फ पार्किंसनिज्म में जो गेट है उसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इस फिगर में भी इस पेशेंट को देखें, द ट्रंक हेड एंड नेक आर फॉरवर्ड, नीज फ्लेक्स्ड हैं, ट्रंक आगे की तरफ बेंड हुई है, टेंड टू फॉल फॉरवर्ड एंड टू इंक्रीज द स्पीड, यानी ट्रंक आगे की तरफ बेंड हुई है। एज अ रिजल्ट पेशेंट जल्दी जल्दी चलता है, अपने स्टेप्स जल्दी जल्दी लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फेस्टिनेशन, इंक्रीज्ड केडेंस, ठीक है, यानी स्टेप्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज्ड है। डिक्रीज्ड हील स्ट्राइक, डिक्रीज्ड टो ऑफ, डिक्रीज्ड आर्म स्विंग, यानी जब आप ये प्रोसेसेस जल्दी जल्दी कर रहे हो, यानी डिक्रीज हील स्ट्राइक है, जल्दी से आपने फौरन से हील को स्ट्राइक करके फिर अपनी स्विंग फेस को जल्दी जल्दी किया है, उस पूरे प्रोसेस को जब जल्दी जल्दी किया, यानी उसका जो टाइम पीरियड है, जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है, उसको आपने रिड्यूस कर दिया, एज अ रिजल्ट आपकी स्टेप्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना, सो दैट लीड्स टू एन इंक्रीज केडेंस, ठीक है। शॉर्ट स्टेप्स होते हैं, एक्सेलरेटिंग स्टेप्स होते हैं, डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। इसको भी आप YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस इन व्हिच यू कैन सी दिस टिपिकल गेट। देन कम्स द एट एग्जिट गेट। एट एग्जिट गेट भी एक अनस्टेडी गेट है, अनकोऑर्डिनेटेड है। इसमें अगर आप पेशेंट को देखें तो इसका जो बेस है दैट इज वाइडर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बेस। फीट जो है दे आर थ्रोन आउटवर्ड्स, क्योंकि आउटवर्ड जो है फीट oriented, ठीक है। Then comes the propulsive gait. Propulsive gait में क्या है, the patient is suffering from stiff neck and head.
एक्सेसिव फोर्स टू प्रोपेल द बॉडी, आप आगे की तरफ एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हो और अपर ट्रंक पे भी आपको स्टिफनेस है. देन कम्स द रैडलिंग गेट और द मायोपैथिक. इसमें पेशेंट को एबडक्टर वीकनेस है, ट्रेंडनबर्ग साइन पॉजिटिव है, हमने पीछे पढ़ा है ट्रेंडनबर्ग गेट क्या होती है, एबडक्टर वीकनेस है क्या होता है, पेल्विस ड्रॉप किस साइड पे हो रहा है, ट्रंक किस साइड पे स्वे हो रही है, पूरा प्रोसेस हम पीछे पढ़ चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में वेरियस एबनॉर्मेलिटीज को कंपेयर किया हूँ. अब आप गेट ट्रेनिंग अपने पेशेंट की कैसे कर सकते हैं, बहुत डिटेल में इसको स्टडी नहीं करेंगे, वी जस्ट यू नो हैव एन ओवरव्यू. इसमें दो फेजेस हैं, नॉन एम्बुलेटरी फेज भी है, एम्बुलेटरी फेज भी है. इसमें नॉन वेट बेयरिंग भी आप कर सकते हो, पार्शियल वेट बेयरिंग भी कर सकते हो. कौन कौन से डिवाइसेस यूजली हम गेट ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, वी यूज पैरेलल बार्स, यूज वॉकर्स. आपने पढ़ा हुआ असिस्टिव जो वॉकिंग गेट्स है उसमें पढ़ा हुआ है वॉकर्स क्या होते हैं, केन्स या स्टिक्स क्या होते हैं, क्रचेस क्या होते हैं. तो उनकी मदद से आप अपने पेशेंट की गेट ट्रेनिंग कर सकते हो. ठीक है, ये पैरेलल बार्स होते हैं, पैरेलल बार्स आर वेरी इफेक्टिव. यूजली जिन पेशेंट्स को इसी तरह वेरियस एबनॉर्मेलिटीज में जिन पेशेंट्स की एबनॉर्मल गेट होती है उनको आप इस तरह से ये पैरेलल बार्स होते हैं. और इनका क्या फायदा होता है, एक तो वेट भी डिफाइन हो जाती है, मतलब आप एक्सेसिव बेस भी नहीं आप कर पा रहे, आप एक सर्टन लिमिट के अंदर आपकी बेस भी कंट्रोल हो गई, आपको सपोर्ट भी मिल गई है, आपको एक आप एक स्ट्रेट लाइन में भी चल रहे हो. और दूसरी चीज ये होती है कि यूजली सामने एक मिरर रखा होता है जिसमें पेशेंट अपने गेट को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, और अपनी जब आप उसको गाइड करते हो कि आपने स्टेप ऐसे लेने ऐसे लेने ऐसे लेना है, तो पेशेंट मिरर में देख देख के अपनी उस पूरी गेट को करेक्ट करता जाता है. और जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा उसकी गेट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो वेरियस असिस्टिव डिवाइसेस हमने पढ़ा था कि सीपी पेशेंट्स में कौन कौन से फ्रेम्स होते हैं, हमने ये सारी चीजें पीछे पड़ी हुई है. ठीक है, स्टिक्स होती हैं, क्रचेस होते हैं, एक्सिलरी क्रचेस, एल्बो क्रचेस, गटर क्रचेस, राइट. सो ये आपका जो था दिस वाज योर टुडेज लेक्चर ऑन द वेरियस एबनॉर्मलिटीज. अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत सी कॉमन चीजें होती हैं एबनॉर्मल. जब भी आप कोई डिजीज पढ़ रहे होते हो, कोई एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे होते हो, कोई डिफॉर्मिटी पढ़ रहे होते हो, बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं, सिर्फ कुछ चीजें होती हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती हैं. सो डेफिनेटली इट्स यू नो बिट कंफ्यूजिंग, बट वंस यू गो थ्रू दिस इन अ डिटेल्ड वे, जब आप इसको खुद लेक्चर को खोल के पढ़ेंगे और वीडियोज को देखेंगे और अपनी बॉडी को अपनी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो थैंक यू वेरी मच.